हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम खेलने वाले लॉकी क्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़, वो भी फर्स्ट टाइम। तो लॉकी क्राफ्ट वैसे तो माइनक्राफ्ट जैसा है, पर मैं माइनक्राफ्ट अभी नहीं खरीद सकता, तो खैर वो छोड़ो। अभी हम जल्दी से अपने वर्ल्ड को क्रिएट करते, यानी ओपन करते। भाई क्या भद्दा स्पॉन मिला है मुझे, एकदम बिल्कुल पानी के पास। ना ही यहाँ पर कुछ काम की चीज़ें और ना ही कुछ। ओ भाई एक मिनट, ये क्या है? वॉट विलेज? भाई मैं तो इसे बहुत ही भद्दा समझ रहा था, पर ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें बोले जी एक मिनट, यहाँ पे क्या चल रहा है? रुको रुको, दो मिनट रुको। हाँ और करो। हाँ ठीक है, फिलहाल अभी हम काम पर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ देर, भाई इस गांव में ब्लैकस्मिथ नहीं है क्या? एक मिनट में चेक करता हूँ पूरा गाँव। गाइस ब्लैक स्मिथ तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। व्हाट भाई, ये क्या दो दो विलेज? भाई दो दो विलेज इस गांव में तो, मतलब इस जगह पर तो दो दो विलेज है। अरे भाई तीन तीन, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। और ये क्या, ब्लैक स्मिथ का घर भी मिल गया हमें। गाइस जल्दी से चलते हैं इसके अंदर कोई चेस्ट है क्या? हाँ जल्दी से इसे लूटते हैं। दो एम्ब्रल और दो पेंट्स मिली है भाई। हम चेस्ट भी नहीं छोड़ेंगे, चेस्ट भी लिख जाएगी बेचारा ब्लैक स्मिथ। एक मिनट, हम वुड भी यहीं से कलेक्ट कर लेते हैं ना, इतना पेड़ ढूंढने के लिए क्यों जाए एक बाहर। अरे तो गाइस यहाँ पर हमने छः पूरे टोटल चार वो ये कलेक्ट कर लिए। और ये क्या हुआ यहाँ पे? खेल कुछ भी हो, मुझे तो बस अपने सामान से मतलब मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर कुछ फूड कलेक्ट करूँगा। हाँ मुझे अभी याद आया, मैंने जब मैं क्रिएटिव खेल रहा था तब बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, इसलिए मैंने डिफ़िकल्टी लो कर ली थी, पर अब वापस से नॉर्मल कर लिए। तो अभी थोड़ा फूड कलेक्ट कर लेते हैं। पर आपको एक बात पता है, जब हम लो इसमें खेलते हैं डिफ़िकल्टी में, तब हमें वीट से दो दो सीड मिलती है, पर जब हम इसमें खेलते हैं तो हमें तो बस एक ही सीड मिलती है एक पेड़ से। ये देखिए अभी 31 नहीं 32 33 34, बस मतलब एक एक ही मिल रही है। नहीं तो फिर जब हम लो में खेलते हैं तब तीन तीन चार चार मिलती है। खैर कोई नहीं, हम तो अपना फूड कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे काऊ भी है। अभी वो वाले फार्म में चलते हैं। यहाँ पे साइड कैरेट भी है। हाँ लेकिन वीट के हम ब्रेड बना के खाएंगे। और वट इधर भी अभी वैसा ही हुआ है, क्या चल रहा है क्या मालूम। चलो उसे छोड़ो और हम वापस से अपना फूड कलेक्ट करते। आज मतलब पूरा दिन हम बस इस विलेज को ही लूटेंगे। वैसे भी लॉकी क्राफ्ट में है वेल्स तो होती नहीं है। यहाँ से भी ले लेते हैं थोड़ा। और ये कैरेट की सीड भी मिलती है क्या भाई? ये कैरेट है या क्या है क्या मालूम। खैर जो भी है, हमें तो बस फूड तो ही दिख रहा है वो।
तो गाइज मुझे यहाँ पे पहली सीप मिल गई है मेरी। अब मैं इससे बोल लूँगा, मेरे पास अभी फिलहाल एक भी उल नहीं है। एक कलेक्ट हो गया है, फिर से फूड कलेक्ट करती है। भाई अभी तो शाम भी होने में आ गई है और मेरे पास अब तक बेड नहीं है। चलो किसी के घर पे जाके सो जाते हैं आज की रात। अभी कोई अच्छा घर नहीं है क्या? हाँ एक मिनट, इसमें जाके सो जाती, सो ही नहीं जाते, मतलब ऐसे ही कुछ भी टाइम पास। और गाइज अभी सुबह हो गई है इस वाले दिन की, और वहाँ पर मुझे छत पर एक ज़ॉम्बी दिख रहा है, तो अभी उसे डैमेज हो गया है सनलाइट से। पूजा गाइज उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चलो जाने दो, हम बाहर निकलते अभी। और आज हमें इस शिप की तलाश में जाकर पहले बेड ढूंढना है। भाई शॉर्ट निकाल लो हाथ में, फिर से यहाँ पे फूड कलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा। भाई अब मैं शिप्स ढूंढने जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए। वाह गाइस मुझे मिल गई अपनी दूसरी शिप, जल्दी से इसे भी मारते हैं। और वो रही गाइस वहाँ पे है। इनमें से अभी मैं एक को ही मारूंगा क्योंकि मुझे एक ही उल की ज़रूरत है अभी। मर जा भाई इसकी वजह से मेरे दोनों डर्ट चले गए। खैर मैं तो नूब नहीं हुई इसलिए मुझे डर्ट का कोई काम नहीं। पर पहले फिर भी हम डर्ट, भाई कुछ भी कहो कुछ तो काम में आएगी है। समझो अगर यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन हो गया तो अगर वो हमें मारने लग गए तो हमें कुछ ऊपर जाने के लिए भी तो लगेगे ब्लॉक्स, तो स्टोन के करेंगे तो उसको तोड़ने में ही आधे घंटा चला जाएगा। अभी वुड कलेक्ट कर लेते बेड के लिए। चलो अभी क्राफ्टिंग टेबल निकाल के पहले बेड बना लेता हूँ मैं इन्वेंट्री में जाकर। भाई मेरा क्राफ्टिंग टेबल किधर गया? एक मिनट गाइज मैं क्राफ्टिंग टेबल, हाँ याद आया, मैं तो अपने वो जहाँ पे रात गुजारी थी वहीं पर ही भूल के आ गया यार। अभी मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा, खैर कोई नहीं चल जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, दौड़ के चला जाता हूँ जल्दी। गाइज देखो वहाँ पे खड़ा था वो ज़ॉम्बी ऊपर, और हम शायद हाँ इधर ही गए थे हम ब्लैक स्मिथ के घर के। यही था वो घर, वो अंदर है क्राफ्टिंग टेबल। ये पहले खाना खा लेते और अब क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ते। और अब पिकेक्स से फर्नेस को तोड़ते। हाँ मैंने कल रात को फर्नेस बना रहा था यहाँ से स्टोन लेकर, तो अभी यहाँ पे सब अपना सामान रखते हैं आज के दिन के लिए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते गाइज जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। हाँ और मैं ये वीडियो इस चैनल पे काफ़ी दिनों बाद डाल रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।